अहमदाबाद और वडोदरा शहर को नए मेयर मिल गए हैं। कौन बना मेयर, कौन बना डेप्यूटी मेयर, किसकी टीम की हुई घोषणा। अहमदाबाद में वडोदरा के मेयर टीम के नाम घोषित, बाकी महानगरों के मेयर के नाम कब होंगे घोषित, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। अहमदाबाद और वडोदरा नगर निगम के नए पदाधिकारियों के चयन के लिए बैठक हुई। भाजपा ने पार्षदों, विधायकों और संगठनों से समन्वय के बाद सूची बनाई। देर रात तक अंतिम नाम पर मोहर लग गई। बात करें अहमदाबाद की तो मेयर के तौर पर प्रतिभा जैन का नाम पहले से ही चर्चा में था। वह अहमदाबाद के मध्य क्षेत्र से शाहीबाग वार्ड के पार्षद है। नए मेयर जैन समुदाय से आते हैं। अहमदाबाद और वडोदरा शहर को नए मेयर मिल गए। प्रतिभा जैन को अहमदाबाद का नया मेयर घोषित किया गया है। महापौर का पद सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होने के कारण महिला महापौर की नियुक्ति की गई है। इसीलिए डेप्यूटी मेयर के तौर पर जतिन पटेल का नाम चुना गया और देवांग दानी को अहमदाबाद की नई स्थायी समिति का अध्यक्ष घोषित किया गया। पार्टी नेता के तौर पर गौरांग प्रजापति का नाम घोषित किया गया है। इन सभी पदाधिकारियों का कार्यालय 2.5 साल तक का होगा। पिंकी बहन सोनी वडोदरा शहर की नई मेयर बनी। शीतल मिस्त्री बने वडोदरा शहर की स्थायी समिति के अध्यक्ष, जब चिराग बारोट शहर के नए डेप्यूटी मेयर बने। मनोज पटेल वडोदरा में सत्ताधारी पार्टी के नेता बने। अहमदाबाद और वडोदरा की नई टीम के सामने आवारा मवेशिया की समस्या सबसे बड़ी चुनौती होगी। 12 सितंबर को 3 नगर निगम राजकोट, जामनगर और भावनगर सहित कुल 38 स्थानीय निकायों में पदाधिकारियों की भर्ती आयोजित की जाएगी। उल्लेखनीय है कि मेयर, डेप्यूटी मेयर और स्थायी समिति के अध्यक्ष का कार्यकाल 9 सितंबर को समाप्त हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। भारत में हुए 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन में कई बड़े प्लान बनाए गए हैं। ये सभी प्लान में भारत के साथ दूसरे बड़े देशों ने भी सहमति जताई है। कैसे भारत अपना बिग ड्रीम प्रोजेक्ट को सफल बनाएगा, देखते हैं खास रिपोर्ट। भारत में हुए 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन को पूरी दुनिया ने सफल बताया और देश की जमकर सराहना की। भारत दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है और इस बात को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लेकर वर्ल्ड बैंक समेत तमाम वैश्विक एजेंसियों ने माना है। भारत के साल 2047 तक दुनिया के विकसित देशों की लिस्ट में पहुंचना और आने वाले 5-6 साल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी के तौर पर सामने आना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा इससे पहले ही भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर जो अनुमान जारी किए जा चुके हैं, उनके मुताबिक भारत 2027 में जापान और जर्मनी जैसे देशों को छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की लिस्ट में तीसरे पायदाव पर पहुंच सकता है। साल 2014 से 2023 तक की अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था ने कई नए मुकाम हासिल किए हैं। 2014 में ये 10वें पायदान पर थी और आज ग्लोबल इकोनॉमी में 5वें पायदान तक पहुंच चुकी है। कोरोना काल में जब दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्था धराशायी हो चुकी थी तो इंडियन इकोनॉमी ने इस प्रकोप से उबरते हुए ऐसी रफ्तार पकड़ी कि पूरी दुनिया ने भारत का लोहा माना है। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली G20 में तैनात हिट स्क्वाड को मुंबई अटैक के बाद बनाया गया था। क्यों इनकी तैनाती की खबर बड़े बड़े अधिकारियों को भी नहीं दी जाती, वो किस कमरे में है और उनकी असलियत क्या है, देखते हैं खास रिपोर्ट। दिल्ली में आयोजित G20 समिट का सफलतापूर्वक समापन हो गया। विदेशी मेहमानों के लिए होटल में देश की सबसे तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया था। इसमें से एक थी HIT स्क्वाड यानी हाउस इंटरवेंशन टीम। HIT टीम के जवान हर होटल के अंदर चंद खास कमरों के अंदर मौजूद थे, पर वो किस कमरे में है और उनकी असलियत क्या है, ये सिवा उनके कमांडर के और किसी को नहीं पता था। इन्हें साफ हुक्म था कि किसी भी इमरजेंसी में ये सिर्फ अपने कमांडर का हुक्म मानेंगे। गोपनीयता इतनी थी कि G20 की सुरक्षा में लगे बाकी सुरक्षा एजेंसियों तक को इनकी भनक भी नहीं थी। ज्यादातर HIT के जवान हर होटल के बीचों बीच ऐसे कमरों में मौजूद थे जहां से चारों तरफ वो नजर रख सकते थे। HIT स्क्वाड के पास अमेरिकन ब्लॉक 17 पिस्टल, कॉर्नर शॉट्स पिस्टल, इजराइल की टवोटार 21 असॉल्ट राइफल, इसके अलावा तमाम आधुनिक हथियार मौजूद थे। कमरों के अंदर अंधेरे में भी ये अपने टारगेट को आसानी से देख सकते थे। HIT अलावा G20 समिट के मेहमानों की सुरक्षा के लिए स्नीफर डॉग्स तैनात किए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।